के चीफ जस्टिस का कहना है कि शर्जील मेमन के कमरे से शराब की 3 बोतलें मिली हैं। शर्जील मेमन से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनकी नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर ये भी देखें ये क्या हो रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से निकलकर जब मुख्तलिफ उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया तो उन दौरों में जियाउद्दीन अस्पताल भी गए, और जियाउद्दीन अस्पताल में जब वो गए तो उन्होंने शर्जील मेमन से 6 मिनट की मुलाकात की। शर्जील मेमन की जब वो कमरे में गए तो वहां पे उनको शराब की खाली बोतलें नजर आई, जिसपे उन्होंने शर्जील मेमन से पूछा कि ये बोतलें किसकी हैं। इस पे शर्जील मेमन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि ये मेरी नहीं है। इसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आप इस चीज का भी नोटिस लें। जराए हमें ये भी बताते कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने मोबाइल से शराब की खाली बोतलों की फोटोज भी ली हैं, और उन्होंने सरजनिश भी की है, और अब वो इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमा की समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको वादे कर दूं कि शर्जील मेमन जियाउद्दीन अस्पताल में जेरे इलाज है, उन्होंने सब जेल की जो है वो पिटिशन लेके रखी हुई है। इस वक्त वो जियाउद्दीन अस्पताल में जेरे इलाज है, उनका केस जो है वो नैप कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मेडिकल ग्राउंड के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, और आज जो है उनके कमरे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब दौरा किया तो 3 खाली बोतलें और सिगरेट के पैकेट। सही, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी, आपने हमें अपडेट किया।